हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं श्वेता सिंह। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षा के स्तर में काफ़ी सुधार आ रहा है और इस सुधार के कारण स्टेशनरी इंडस्ट्री में भी तेजी से विकास हो रहा है। बढ़ती डिमांड के कारण देश में स्टेशनरी प्रोडक्ट्स का काफ़ी अच्छा स्कोप है। सिर्फ भारतीय बाजार में स्टेशनरी प्रोडक्ट्स का एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक का है। वैसे तो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरे साल रहती है, लेकिन पिक टाइम अप्रैल में होता है, जिस समय स्टूडेंट्स का क्लास चेंज होता है और स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत भी पड़ती है। स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, लाइक पेन, पेंसिल, मार्कर, हाइलाइटर, नोटबुक, डायरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड वीडियो मैं वन बाई वन लेकर आऊँगी। तो स्टेशनरी सीरीज के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ पेन मेकिंग बिजनेस के बारे में। पेन की ज़रूरत हर किसी को होती है, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो, शहर हो या गांव हो, पेन का इस्तेमाल हर जगह ही होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पेन मेकिंग बिजनेस में कौन कौन सी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होता है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कितना मुनाफा होता है और इसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इसकी ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। इसकी मार्केटिंग के लिए 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में स्टेशनरी शॉप, किराना शॉप, स्कूल या ऑफिसेज में संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस ज़्यादा चल जाए तो आप फ़ोन कंपनी से डेटाबेस लेकर के घर बैठे भी आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और घर से ही उनको प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं। आज हम सबसे पहले मैनुअल मशीन से पेन बनाना सीखेंगे और इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत भी नहीं होती है। स्टेशनरी मार्केट में जगह बनाने के लिए कम इन्वेस्टमेंट में पेन बनाकर बेचना एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगे तो आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेकर के पेन का ज़्यादा प्रोडक्शन कर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। हेलो फ्रेंड्स, ये पेन यूज एंड थ्रो होता है, इसको हम डीएफ पेन बोलते हैं, डायरेक्ट फिलिंग पेन। तो इसमें जो मशीनें यूज होती है वो 4 मशीनें यूज होती है। ये एडाप्टर मशीन होता है, ये इंक फिलिंग मशीन होता है, ये टिप मशीन होता है और ये सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन होता है। इस पेन को बनाने में 5 चीज़ें यूज होती है। ये बैरल कहलाता है, ये सारे जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट बैरल्स हैं जिसको हम यूज करते हैं। ये कैप होता है, ये जो हमारे हैं ये एडाप्टर होते हैं और ये जो है ये टिप होता है। तो हम जो यूज करते हैं एडाप्टर, टिप, कैप और ये बैरल्स और ये कैप, ये 5 चीजें हम यूज करते हैं इनको बनाने में और ये 4 मशीन यूज होता है। तो स्टेप बाय स्टेप आज हम आपको बताते हैं कि कैसे इस पेन को हम बनाते हैं। तो पहले सबसे पहले हम ये बैरल लेते हैं, बैरल लेकर के उसके बाद हम एडाप्टर लेते हैं। ये एडाप्टर है, इसको आगे सेट करना होता है तो हम आपको बताते हैं ये कैसे सेट करते हैं। ये एडाप्टर होता है और ये बैरल है। एडाप्टर को सबसे पहले हम यहाँ पे डालते हैं, उसके बाद बैरल को इसके सीध में रख करके और इसको हम प्रेस कर देते हैं। ये इसमें एडाप्टर फिट हो जाता है। एडाप्टर फिट होने के बाद फिर हम इसमें इंक फिलिंग करते हैं। इंक फिलिंग करने के लिए यहाँ पे डालते हैं हम लोग उसके बाद इसको धीरे धीरे हम प्रेस करते हैं। ये इंक फिलिंग हो जाता है। बैक साइड हम इसको इसलिए पकड़ते हैं ताकि हमारा इंक बाहर ना आ जाए। उसके बाद हम लोग इसमें टिप को सेट करते हैं। टिप को सेट करने के लिए हम लोग इसको यहाँ पर डालते हैं और ये टिप यूज होता है जिसको हमने पहले डाल के रखा है इसमें, और इस मशीन को हम इस तरह से प्रेस करते हैं। ये टिप इस तरह से सेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद
इस मशीन में रख करके इसको हम मूव कर देते हैं। एक्चुअली ये एक पेन है, जब हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो हमें आसानी होती है, क्योंकि हम ये दोनों तरफ 40-50 पेन रख करके मूव करते हैं तो उस समय आसानी होती है। ये पेन बिल्कुल तैयार हो चुका है, इससे मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। ये बिल्कुल तैयार है, इसमें आप कैप डालेंगे और ये प्रोडक्शन हो गया। अब इसको आगे हम सप्लाई के लिए ये तैयार हो गया। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ इसका प्रोसेस। ये बैरल होता है और ये एडाप्टर होता है। इस एडाप्टर को हम यहाँ पे डाल देते हैं एडाप्टर मशीन में। इस बैरल को यहाँ से लगा करके इसको सिर्फ हल्के से प्रेस करना है, ये इसमें एडाप्टर लग जाता है। उसके बाद इसमें इंक फिल करना है। हल्के से प्रेस करना है ताकि इंक ज़्यादा बाहर नहीं आए। इसको पीछे ऐसे पकड़ लेना है ताकि इंक बाहर ना आ जाए, और उसके बाद यहाँ पे टिप रख करके इस तरह से रख करके इसको प्रेस कर दीजिए। ये इसमें टिप लग जाता है इतनी आसानी से। इसको मूव कर ये आसानी से आप इसको इसमें रख करके मूव करने का जो हमारा काम होता है वो इसलिए होता है कि जो हमने इसमें इंक फिल करी उसमें एयर बबल्स नहीं आते हैं। अगर एयर बबल्स आते हैं इंक में गैप आ जाते हैं। अगर आप उसको इस प्रोसेस को नहीं करते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाता है, ये इंक फैल जाता है, इसमें बबल्स आ जाता है, तो ये ठीक नहीं होता। तो ये तरीका इसीलिए हम अपनाते हैं कि इंक के बीच में जो एयर है वो निकल जाए और ये बिल्कुल अच्छे से फिट हो। ये एडाप्टर होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में आता है। जिस कलर का आप बैरल चूज करते हैं, जैसे आप बैरल चूज करते हैं, जैसे येलो है, पिंक है, ऑरेंज है, ब्लू है, ग्रीन है, जिस कलर का आप बैरल यूज करते हैं उस कलर का आप एडाप्टर यूज करते हैं तो ये सेम दिखता है। उसके बाद ये टिप है, उसके बाद ये जो हमारा कैप है ये भी डिफरेंट डिफरेंट कलर में आता है, जिससे आप बैरल को सेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर में। और ये जो बैरल है, बैरल में भी डिफरेंट डिफरेंट साइज आता है, सभी साइज का जो प्राइस है वो वैरी करता है। वो जब आप इस मशीन को लेने आएंगे तो आपको विस्तार में बताया जाएगा। और जब भी आप मशीन लेने आएंगे तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि इस मशीन को हम कैसे यूज करते हैं, पेन को कैसे बनाते हैं, पेन में कैसे कैसे हम बैरल को बैरल में एडाप्टर यूज करते हैं, उसके बाद हम इंक फिलिंग करते हैं, उसके बाद हम टिप लगाते हैं, टिप लगाने के बाद सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में हम इसको मूव करते हैं। ये सारा एक प्रोसेस होता है, तो ट्रेनिंग में हम आपको विस्तार से बताएंगे। ये मैनुअल मशीन होता है, इसका कॉस्ट 25,000 रुपीज़ होता है, जिसमें 3,000 रुपीज़ का मटेरियल जो इसमें रॉ मटेरियल यूज होता है वो आपको फ्री में दिया जाता है, जिसमें बैरल आपका 2,000 होता है, इंक 1 kg होता है, एडाप्टर 2,000 होता है, टिप 2,000 होता है और कैप 2,000 होता है। तो आपके लिए आसानी रहती है कि जब आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो जो भी थोड़ा बहुत जो बनाने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई बैरल खराब होता है, कोई टिप खराब होता है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। जो आपको फ्री मिलता है उसमें आपका एक्सपेरिमेंट हो जाता है। इस बिजनेस को आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं।
लेडीज या जेंट्स कोई भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, कोई भी बंदे आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसकी मार्केटिंग के लिए शॉप टू शॉप आप कंसल्ट कर सकते हैं, स्कूल में कंसल्ट कर सकते हैं, ऑफिस में कंसल्ट कर सकते हैं। आप इसकी मार्केटिंग को स्मार्ट ढंग से कर सकते हैं, इस पेन को कस्टमाइज करके भी बेच सकते हैं। कस्टमाइज करने का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा बैरल होता है, तो बैरल पे आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, बैरल पे आप प्रिंट कर सकते हैं, जैसे आप अपने कंपनी का नाम, या जैसे मान लिया कि कोई शॉप है जो आपको 5,000 या 10,000 पीस का ऑर्डर देता है, तो उस शॉप का नाम आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ये ब्रांडिंग होता है। जब ये सारा प्रोसेस हम कर लेते हैं तो हमारा पेन तैयार हो जाता है, इस तरह से पेन तैयार हो जाता है, तो हम इसको सप्लाई करते हैं। सप्लाई करने के लिए पैकेजिंग जो करते हैं, ये इस पैकेज में 20 पीसेस के बेच सकते हैं। इसमें हम 5 पेन को पैक करके बेच सकते हैं। इसका जो पैकेजिंग कॉस्ट होता है 50 पैसे आता है, 50 पैसे आता है, और इसमें 1.80 रुपये पैसे आता है। तो आप इस तरह से आप ब्रांडिंग कर सकते हैं अपने पेन का मार्केट में। इस पेन का कॉस्ट 1.05 रुपये आता है, तो आप मार्केट में 30 पैसे से लेकर के 40 पैसे तक आप प्रॉफिट लेकर के इस पेन को बेच सकते हैं। ब्रांडिंग के लिए जैसे हम अगर इसको पैक करते हैं, तो ये डब्बा है, इस डब्बे पे आप अपने ब्रांड का नाम, जैसे कोड 2020 लिखा हुआ है, तो इस पे आप अपने ब्रांड को डाल करके फिर इसको आप मार्केट में सेल कर सकते हो, जिससे आपका एक नाम जाता है। कहीं पे भी आप सेल करते हो, या ऑफिस, जैसे ऑफिस में, या आप कहीं पे शॉप में सेल करते हो, तो आपका ब्रांड नेम वहाँ पे जाता है। तो ब्रांड नेम ही आपको आगे ले जाता है मार्केट में। कहीं पे भी आपका कोई भी प्रोडक्ट आपका दिखेगा, तो ये बंदा कहेगा कि हाँ ये ब्रांड है। बाकी ये सारे जो बैरल्स हैं, जिसका जो प्राइस है वो साइज पे और इंक पे वेरी करता है। जैसे अगर आप रेड कलर लेते हैं तो उसका जो इंक का प्राइस होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और ब्लैक और ब्लू का थोड़ा सा कम होता है। तो ये बैरल के साइज पे आपका प्राइस डिपेंड करता है। ये जो पेन है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है इसमें 2.50 रुपये का आता है, और ये 5 रुपये में मार्केट में सेल होता है। इसमें हम जो कैप यूज करते हैं, तो कैप का भी साइज के अकॉर्डिंग टू और क्वालिटी के अकॉर्डिंग टू इसका जो प्राइस है वो वेरी करता है। तो जिस समय आप ये मशीन को लेने आएंगे, तो आपको उस समय विस्तार से बताया जाएगा कि किस बैरल के साथ कौन सा कैप यूज करते हैं और किस क्वालिटी की कैप यूज करते हैं, उसके हिसाब से प्राइस वेरी करेगा। ये जो डिफरेंट बैरल्स है, इस सारे बैरल से जो भी पेन हम तैयार करते हैं, वो सारा पेन इसी चारों मशीन से तैयार होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पेन बनाना कितना आसान है। चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, घर बैठे इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, आपकी कमाई भी बढ़ती जाएगी। वीडियो के अगले सीरीज में हम आपको बताएंगे कि ऑटोमेटिक मशीन से पेन का ज़्यादा प्रोडक्शन कर आप ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस कंपनी से मशीन या रॉ मटेरियल खरीदना है, तो इस कंपनी की डिटेल्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उनसे संपर्क करके मशीन और रॉ मटेरियल्स खरीद सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक दे दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल श्वेता टेक टिप्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो के अपलोड्स की जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।